अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की बिरयानी। और आलू की बिरयानी बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये मैंने लिए हैं आलू, जो जर्दे के रंग में मतलब पानी के अंदर जर्दे का रंग डाल के इसको मैंने बॉइल कर लिए थे। और यहाँ मैंने लिया ये पुदीना, कड़ी पत्ता, ये ग्रीन चटनी जो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ रेसिपी में, ये है फ्राई प्याज, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट जो मुझे पेस्ट टाइप का है, ये है जर्दे का रंग तेल लगाने के टाइम के लिए, ये है चाट मसाला और थोड़ा सा दाल चाहते हैं हम। यहाँ मैंने लिए ये हरी मिर्च, ये है प्याज जो बिल्कुल बारीक काट लिए, ये है टमाटर ये भी बिल्कुल बारीक मैंने इसको काट लिया, ये है चावल जो मैंने बॉईल कर लिए हैं। और अब यहाँ हम स्पाइस की तरफ आ जाते हैं। हमने क्या लिया है स्पाइस में, वो लिया है मैंने नमक, तेज़पत्ता, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, कुटी हुई मिर्च, साबुत गरम मसाला, धनिया, सौंफ और ज़ीरा कुटा हुआ है ये, और जायफल जावित्री, और ये मैंने लिए सबसे इलायची यानी हरी इलायची जिसको हम छोटी इलायची भी कहते हैं। और ये देख लीजिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये। अब हम अपनी बिरयानी बनाते हैं, आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे ये बिरयानी। सो व्यूअर्स, यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया है पतीली में, और अब मैं ये पतीले में ऑयल जो है गर्म कर दिया है और ये गर्म हो चुका है। मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी, सारी प्याज मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। हाँ, हर चीज़ को तेज आँच पे और बिल्कुल सॉफ्ट भी बना लेंगे, इसको बिल्कुल सॉफ्ट करना है प्याज को, सॉफ्टली करना है इसको, सॉफ्टली करने से मतलब कभी सॉफ्टी की स्पून की करीब आ जाएगी। तो हम इसके अंदर अपना ऐड करेंगे, लेकिन सारे दिन खो रहे हैं इसको, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ अदरक लहसुन सब चीज, और इसको फिर अच्छे तरीके से खाऊँगी ताकि अदरक लहसुन की जो थोड़ी सी क्लैरिटी वो निकल जाए। और अब हम इसके अंदर डालेंगे फाइव फ्रूट खाकर मैं तेज पत्ता डाल दूँ। तेज पत्ता डालने के बाद हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे, इतना भी गरम मसाला अगर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, और अब अच्छे तरीके से हम सॉफ्ट भी कर लेंगे। देखिए अब ये अच्छे तरीके से पक लेते हैं, और हाँ यहाँ बहुत हाथ दे रही है गरम मसाला को, ये निकाल अभी हम इसे को बहुत अच्छे तरीके से हम डालेंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे सॉफ्ट करेंगे, हमें तो ब्राउन भी करना है इसको, हमें सॉफ्ट करेंगे। और इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर कटे हुए जो बिल्कुल बारीक फॉर्म में काटे हैं इसको, और इसको हम चलाएंगे अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छे तरीके से इसको भूनना है हमें। फ्राई करने से पहले हम कुछ स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, चलिए। और ये स्पाइसेस मैंने आपको बताए हुए हैं, ये मैंने ली है पिसी, ये मैंने ली है पिसी हुई मिर्च, धनिया, सब इलायची, गरम मसाला, हल्दी की पिसी हुई मिर्च, जायफल जावित्री और नमक, इन सबको हम डाल देंगे इसके अंदर। ये मसाले हम डालेंगे, इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे ताकि टमाटर और प्याज और मसाले सब अच्छे तरीके से भून लिया जाए। और इसको भूनने के बाद बताते हैं क्या करना है। कितनी अच्छी तरीके से इसकी मैंने ग्राई कर ली है, ये देखें बिल्कुल सब एक जान हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें और भूनना है। ये देखें बहुत ज़बरदस्ती बिरयानी बन रही है ये। और कोई भी आपके घर में आ जाए, दोस्त, बहन भाई, रिश्तेदार, कोई भी रिलेटिव आपका हो आ जाए, तो आप इजी में ये बिरयानी बनाएं। और जो अर्जेंट आता है बहुत तेज़ी से बन जाती है, आप चाहें तो समय चिकन भी ऐड कर सकते हैं आलू के साथ, बहुत जल्दी से ये रेडी हो जाती है बिरयानी। ये आलू की बिरयानी स्पेशल बिरयानी है, ये आलू की बहुत ज़बरदस्त बनती है ये, और बच्चों को तो बेहद पसंद आती है बिरयानी, और बच्चे तो ऐसे टूट जाते हैं जो खाने के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है ये बिरयानी। ऐसी चीज़ें ज़रूर ट्राई किया करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, और
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें जरूर। अच्छे तरीके से भूनने के बाद यहाँ देखते हैं, हमने अच्छी तरीके से मसाला भून लिया है और आप देखते हैं आज कहूँगी तो पीछे से जो बच्चे आवाज़ करते हैं कि उससे माइंड मत किया करें, क्योंकि देखें छोटे बच्चे हैं, एक डेढ़ साल का, एक ढाई साल की, उसको कहाँ समझ होती है ये सब चीज़ों की। मैं उनको डांट भी मार तो सकती हूँ, पर डांट देती हूँ लेकिन उनको फिर भी समझ नहीं आता है, वो लोग बीच में बोलते रहते हैं। और आपको पता है छोटे बच्चों के साथ बस जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं शूट कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के साथ, तो प्लीज़ माइंड मत किया करें किसी की आवाज़ों को, मैं भी मदद करूँगी बच्चों को। जाहिर सी बात है बच्चों को डांट नहीं सकती ना मार सकती, बहुत छोटे बच्चे हैं, मेरे पास जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ सारे काम। ठीक है, तो अब ये बिरयानी का मसाला देखिए अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे ये हरी मिर्च ऐड करेंगे और ये कुछ मैंने सही पत्ते को मिर्च लिए हैं ऐड कर लिए हैं और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हरी मिर्च मैंने कुछ काटी है और कुछ मैंने वैसे ही ले ली है और यहाँ मैं बड़ी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे छोटे बड़ी यहाँ मैं पुदीना डाल रही हूँ, धनिया पुदीने की डाल रही हूँ, पुदीने से ही सबसे ज़बरदस्त जायका आता है बिरयानी में, पुदीना बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, हरी मिर्च पुदीना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी देखती हूँ। बस तकरीबन हमारा मसाला रेडी है और मैं आलू डालती हूँ, आलू डालने के बाद अच्छे से इतना खूबसूरत कलर, इतना खूबसूरत लग रहा है मसाला मुझे, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसको 5-10 मिनट बनाकर और ये रेडी है मसाला हमारा। सो व्यूअर्स, मसाला हमारा रेडी हो चुका था, तो मैंने मसाला ऐसे डिश में निकाल लिया और उसी पतीले में मैंने चावल डाल दिए थोड़े से और मसाला बिल्कुल रेडी था बता हमारा। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये आलू जो मसाला आलू का मैंने बनाया है, इस सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और मसाले को अच्छी तरीके से सब जगह फैला दूँगी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो ही जो मैंने ग्रीन चटनी आपको रेसिपी बताई थी ग्रीन चटनी की, और ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से चारों तरफ हमें ऐड करना है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुछ यानी थोड़ी सी फ्राई प्याज, ये देखिए थोड़ी सी कर रही हूँ, थोड़ी सी मुझे ऊपर की तरफ भी करनी होगी, और यहाँ मैं थोड़ा सा लूँगी चाट मसाला और मैं ऐड करूँगी चाट मसाला, ये देखिए इस तरीके से ये मैं ये सब जगह ऐड करना है जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए, मैं थोड़ा सा ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। और तकरीबन ये देखिए 1 लेयर हमारी तैयार है और अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे अपने सारे, मैं सारे चावल ऐड कर दूँगी इसके अंदर, सारे चावल ऐड कर दिए हैं इसके अंदर और अब मैं स्पून की मदद से सब जगह फैला दूँगी चावल को इस तरीके से, देखें। तो व्यूअर्स ये देखें मैंने ऊपर की लेयर लगा दी है और अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी और फ्राई प्याज ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून के बराबर हमें फ्राई प्याज ऐड करनी है क्योंकि प्याज को हम ऑलरेडी ऐड कर चुके थे मसाले में, लेकिन ये बस एक जस्ट टेस्ट के लिए डाल रही हूँ मैं, ये मैंने ऐड कर दी। और इसमें अगर आप चाहें थोड़ा सा चाट मसाला डालना चाहें डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने 1 लेयर में डाल दिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैंने जर्दे का रंग जो है पानी में ऐड कर लिया था, और ये रहा इसको हल्का हल्का सा सब जगह मुझे डालना है, आप चाहें तो वैसे भी डाल सकते हो, हमने घोल के डाला इधर पानी के अंदर, आप खुश्क भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए सारा यूज़ कर दिया है इसके अंदर। और अब मैं इसको कवर करके दम पे लगाऊंगी। तो व्यूअर्स यहाँ मैं ये स्पून की मदद से देखें जर्दे के रंग को चावल के ऊपर फैलाऊंगी ताकि अच्छा सा लुक आ जाए इसका ज़बरदस्त है, ये देखें
जितना हम फैला फैला के दालियों का लुक ये देखें उतना अच्छा लुक आएगा इसका, ये देखें। और अब इस जगह मैं इसको दम पे लगा दूँगी। बस अब मैं इसको दम पे लगा रही हूँ, मैं 15 से 20 मिनट इसको दम पे लगाऊंगी और फिर ये रेडी हो जाएगी और फिर मैं सर्विंग करूँगी इसकी। सो व्यूअर्स, ये देखें ये बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देखें किस तरीके से इसने भाप छोड़ी और ये बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है और अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। सो व्यूअर्स, ये देखें सर्विंग कंप्लीट हो चुकी है और कितने खूबसूरत बिरयानी लग रही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ ट्राई जरूर करें, ट्राई दिस रेसिपी, देखें कितनी खूबसूरत लग रही है बिरयानी, कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।